हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और एक नए वीडियो में जहाँ पे हम करने वाले हैं इस SR4 के एमए को रिवॉल्व, यानी कि ये 11 जनरेशन में लगता है। इस टाइप के मशीन जो भी हैं गेमिंग वाले उसमें लगेगा ये, तो इसको रिवॉल्व करने वाले, क्योंकि मेरे पास आज एक है 11 जनरेशन का जिसको रिपेयर करना है। तो ये रहा इसके होल्डर और मैं इसको क्लीन करता हूँ पहले, ताकि इसको हम इसको प्रॉपरली बॉल बना सके। वर्कली मैं दिखा दूं यहाँ पर, स्टेशन कोल्ड है अभी, यानी कि हीट नहीं है, तो थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा इसको। ये पहली बार होगा मैं इसको रिवॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि इसे पहले तो जरूरत नहीं पड़ा, तो देखते हैं कि इसमें क्या सही से होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा, चलो एक तो शोल्डर हट गया ऊपर से। अब मैं इसको यहां से क्लीन कर लेता हूँ डीजल विक से। बहुत बढ़िया, इसके कोने कोने में कुछ कुछ हैं पॉइंट्स जो कि शोल्डर यानी कि प्रॉपर नहीं दिख रहा है कि ठीक है या नहीं है, तो भी क्लीन कर लेते हैं। वापस एक बार डीजल भी यूज कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। चलो ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको क्लीन कर लेते हैं एक बार लिक्विड से। ये हो गया, इसके जो टेम्पलेट हैं यानी कि स्टेंसिल कह लो, इसको अब इसके ऊपर लगाएंगे। बट थोड़ा सा जस्ट एक मतलब बहुत एक ना के बराबर फ्लक्स अप्लाई कर लेते हैं इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे तो हम PVD यूज करने वाले हैं। तो ये लग गया, देखते हैं कि क्या ये अलाइन है भी या नहीं है। तो नहीं लग रहा है कि ये अलाइन है। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, लगता है कि सही से नहीं दिए हैं इन लोगों स्टेंसिल, क्योंकि ये प्रॉपरली अलाइन नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, एक बार के लिए मैं इसको ऐसे घुमा लेता हूँ, हो सकता हो कि ऐसे अलाइन हो जाए। ये सही, मेरा आइडिया सही निकला और ये लाइन हो गया। अब सिंपल इसके ऊपर हम PPT लगाएंगे। तो PPT लगाने के लिए मेरे पास है यहाँ पर जो ये है, PPT लगाने के समय भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है PPT को, क्योंकि PPT बार बार याद मुंह से निकल जाता है PPD होता है ना एक्चुअली, तो थोड़ा सा हो जाता है कंफ्यूज दिमाग, क्योंकि ध्यान कहीं और रहता है, बोल कुछ और देते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत मैसेज चला जाता है। ओके चलो, ये तो मैं तो सब रख प्रॉपरली इसको स्प्रेड कर दिए। अब जस्ट इसको हम रिफ्लो करेंगे, तो रिफ्लो करने के लिए भी कुछ इसमें ट्रिक लगाने पड़ते हैं।
और एक बार के लिए मैं इसका टेम्परेचर सेट कर लेता हूँ, क्योंकि ये 183 के हैं। तो सेकेंड, ओके, तो एक साइड से हीट करना चालू करेंगे हम। स्टार्ट हो गया ये मेल्ट होना, तो अच्छी बात है। और ये लगभग समझ लो हम फाइनलाइज इसको करने वाले हैं, यानी कि ये हो गया। इसके फ्लक्स थोड़ा सा अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, और वापस से इसको बाउल को रिपोजिशनिंग के लिए रिफ्लो कर लेंगे, ताकि मैं इसके स्टेंसिल यहाँ से हटा लेता हूँ। इसके बाद हम रिफ्लो करेंगे इसको। ये लग गया, यानी कि अपना काम हो गया समझ लो। ऊपर वाला कैमरा बंद हो जा रहा है बार बार, क्या दिक्कत है इसको? चार्ज तो है ही, चलो देखते हैं। तो ये हमारा समझ लो कि ये रिवॉल्व हो गया है अभी। अब इसको हम थोड़ा सा क्लीनिंग का काम कर लेते हैं। इसको मैं उठा लेता हूँ यहाँ से, इसको यहाँ रख लेंगे और ये जगह को क्लीन कर लेंगे, क्योंकि हमारा डेस्क ऑलवेज सुपर क्लीन होना चाहिए, ताकि हमें तकलीफ ना हो चीज़ों को करने में नहीं तो बहुत मैसी हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम है थोड़ा सा, कुछ ज़्यादा ही मैंने शोल्डर निकाल लिए थे, तो अब इसको हम वापस से यहाँ पे क्लीन करेंगे एक बार। और जूम होगा क्या? नहीं, ये लास्ट है। चलो लेंस भी एक ऐड करेंगे अच्छा वाला, जिसमें जूम कैपेबिलिटी हो। तो कितना खर्चा करोगे आप? चलो ये हो गया, और अब इसको हम एक बार के लिए इंस्पेक्ट करते हैं माइक्रोस्कोप की हेल्प से, और देखते हैं कि क्या हमने रिवॉल्व जो किया है, यानी मैंने जो किया है वो सही है।
एकदम परफेक्ट तो हुआ है। कहीं पे मेरे को गड़बड़ी में जब तो नहीं आ रहा है, मगर देखते हैं कि क्या है। तो एकदम सही है, एकदम प्रॉपर रिवॉल्व हो गया ये, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। तो मैं इस कैमरे में भी दिखा देता हूँ, ये है SRK-MA जो कि 11th जनरेशन के लिए है। एक छोटा सा ये इन्फॉर्मेशन था रिबोलिंग का, जो कि मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किए थे, तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना लेते हैं। पहले तो कभी पहले इसको मैंने कभी रिबोल नहीं किया था, तो एक छोटा सा नॉलेज मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक ले सभी को नमस्कार।